वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द चैप्टर नंबर 13 क्लास 3 ब्लैकबेरी माइक्रोविजन स्कूल रावेर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। दोस्तों आज कुछ इस तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ना भी कैसे है ये भी समझ में आए। ट्रीज स्पेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, हमें बताया गया है कि ट्रीज हमें नेचर की तरफ से मिली हुई एक प्रेशियस गिफ्ट है। प्रेशियस मतलब बहुमोल अनमोल। आइए चैप्टर शुरू करते हैं जिसकी तरफ से आपको पूरा चैप्टर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। शुरुआत से शुरू करते हैं। ट्रीज आर प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर की तरफ से हमें जो एक प्रेशियस गिफ्ट मिला है वह ट्री है। दे आर वेरी यूजफुल टू अस, वो काफ़ी यूजफुल है। ट्रीज फुलफिल मेनी नीड्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, ट्री जो है हमारी डे टू डे लाइफ की नीड्स मतलब हमारी रोज़मर्रा की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इफ देयर वर नो ट्रीज, ये तो सच है दोस्तों कि अगर ट्रीज ना होते तो हमारी ज़िंदगी शायद जितनी पॉसिबल है उतनी पॉसिबल नहीं होती। ट्रीज सच एज मैंगो, ट्रीज सच एज मैंगो एप्पल बनाना गवा एक्सेट्रा गिव अस फ्रूट्स, ये जितने भी ट्रीज बताए हैं मैंगो की एप्पल की बनाना की या फिर गवा, गवा यानी कि पेरू तो अमरूद बोलते हैं उसको, ये हमें फ्रूट्स देती है। वी गेट कोकोनट फ्रॉम कोकोनट ट्री, तो हम कोकोनट की ट्री से कोकोनट प्राप्त करते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम कोकोनट ट्री एंड इट्स लीव आर यूज फॉर मेकिंग ब्रूम्स मैट्स फैंस एक्सेट्रा। अब देखिए कोकोनट ट्री से हमें बस ऐसे नहीं कि कोकोनट ही मिलता है लेकिन इसके साथ साथ हमें उससे कोकोनट ऑयल भी मिलता है और उसी के साथ उसके जो पत्ते होते हैं उससे हम ब्रूम बनाते हैं मैट्स बनाते हैं फैन बनाते हैं। एवरी पार्ट ऑफ सच ऑफ इट इज़ यूजफुल इन सम वे और अदर, ये तो सच है कि ट्रीज के हर एक पार्ट किसी ना किसी प्रकार से यूजफुल है। ट्रीज गिव्स अस वुड, ट्रीज हमें लकड़ियाँ देते हैं जिससे हम डोर बनाते हैं विंडो बनाते हैं फर्नीचर बनाते हैं इन आवर हाउस एज वेल एज बेंचेस एंड डेस्क आल्सो मेड फ्रॉम वुड एंड टेबल इन आवर क्लासरूम आर मेड ऑफ वुड, ये तो पता ही है। पेपर इज आल्सो मेड फ्रॉम वुड पल्प, जो पेपर बनते हैं किताबों के हुआ या फिर अपने नोटबुक के या फिर हमें जो प्रिंट निकालनी होती है उनके उन सब के हम वुड की पल्प से बनाते हैं। वी ऑल्सो यूज ट्रीज एज फायरवुड, और जो ट्री का वुड होता है वो हमें लकड़ियाँ जलाने के लिए भी काम आती है। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री, और रबर ट्री से हमें रबर मिलता है। आइए अगले पेज पे चलते हैं और जानकारी पूरी करते हैं। देर आर सच एज यूकैलिप्टस एंड सिनोडा सिकोना विच गिव अस ऑयल एंड मेडिसिन, देखिए ट्रीज में कुछ मेडिसिनल ऑयल भी मेडिसिनल ट्री भी है जिससे हमें मेडिसिन मिलते हैं इसको मेडिसिनल बोलते हैं। ठीक है नीम ट्री प्यूरिफाइज द एयर, जो नीम ट्री होता है वो एयर को प्यूरिफाई करता है। नीम लीव्स आर वेरी यूजफुल इन करिंग स्किन प्रॉब्लम्स क्यूरिंग स्किन प्रॉब्लम्स, जो नीम लीव्स होते हैं अपने स्किन के जो भी प्रॉब्लम है उनको क्योर करने में हेल्प करते हैं। नीम ट्रीज आल्सो प्रोवाइड शेड, जो बनाना ट्री है नीम ट्रीज है यह हमें शेड देने के लिए भी काम आते हैं शेड यानी कि छाव। इसके सिवा चॉकलेट्स जो हम सबको अच्छी लगती है चॉकलेट, द चॉकलेट वी ईट इज मेड फ्रॉम अ फ्रूट ऑफ द कोको ट्री, जो कोको ट्री का फ्रूट होता है उससे चॉकलेट बनती है। द सैंडल ऑयल वी यूज ऑल्सो कम्स फ्रॉम सैंडल वुड ट्री, और जो सैंडल ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो सैंडल वुड ट्री से आता है। द ट्रीज इन अवर सराउंडिंग्स प्रोवाइड फ्रेश एयर, ट्रीज गिव्स अ शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स, देखिए ट्रीज अगर हमारे आजू बाजू में हो तो हवाएं भी कैसी रहती है फ्रेश रहती है। इसी के साथ ट्री बस हमें ही शेल्टर नहीं देती है तो ढेर सारे एनिमल्स और बर्ड्स को भी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं।
ट्रीज आर ब्यूटीफुल टू लुक एट, जहाँ पे ट्रीज होती है वहाँ पे इन्वायरमेंट भी काफ़ी प्रसन्नता पूर्वक होता है, तो ब्यूटीफुल लगते हैं देखने के लिए। ट्रीज गिव्स अस फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, ट्रीज ऑल्सो ब्रिंग रेन, व्हेन विंड ब्लोज वी गेट कूल ब्रीज फ्रॉम द ट्रीज, ट्रीज आर अवर फ्रेंड्स, वी मस्ट ट्राई टू प्लांट एटलीस्ट वन ट्री इन अवर सराउंडिंग्स एंड मस्ट नॉट अलाउ पीपल टू कट देम डाउन। देखिए ट्रीज के इतने सारे फायदे हैं, हमें सची में कोशिश करनी चाहिए कि एक ट्रीज हमारे इर्द गिर्द या जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे प्लांट करनी चाहिए, और कोई ट्री काटे ना या फिर काट रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। व्हेन यू ग्रो अप ट्रीज शुड बी इनफ, सॉरी When you grow up, there should be enough trees for a long time. If we preserve our trees, we can preserve our birds and animals too. Trees are wonderful gifts of nature, through which we can get the freshness and health also. तो दोस्तों ये हमने चैप्टर पढ़ा है, आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।